लेकिन खैर हाँ, ये प्रॉब्लम था क्योंकि हसन ने अपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी छोड़ी एंड ही सेड ही वांटेड टू कम इनटू एक्टिंग, व्हिच वाज अगेन नॉट माय डिसीजन, इट वाज हिज डिसीजन. एंड यू टोटली सपोर्टेड हिम. यस यस, आई टोटली सपोर्टेड हिम. आई वाज लाइक ओके इफ यू वांट टू. मुझे ही देख के शौक चढ़ा है ना ऑब्वियसली. तो मैंने कहा ठीक है, हाँ आई एम ग्लैड कि तुम जो भी करना चाहते हो. मगर आपका एक्टिंग करियर भी था और आपका मॉडलिंग करियर भी था. आई वाज बूमिंग एट दैट टाइम. माशाल्लाह. मगर हुआ ये कि जिस तरह मेरा था कि मुझे बस यू नो काम मिल गया और मिलता ही रहा, हसन के साथ ऐसा नहीं था. हसन को बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी और शुरू में एक मैंने किसी पाकिस्तान की मशहूर अदाकारा सुनीता मार्शल के नाम से कौन वाकिफ नहीं. हाल ही में इनके ड्रामा पिंजरा ऑन एयर है जिसको लोगों की जानिब से काफ़ी पसंद किया जा रहा है. मगर अपने हालिया इंटरव्यू में सुनीता मार्शल को अपने ही शौहर से तनकीद का सामना करना पड़ गया. फोशिया मैगजीन के साथ एक हालिया इंटरव्यू में सुनीता मार्शल ने इस बात पर तबादला ख्याल किया कि किस तरह इसने अपनी मंगनी के वक्त अपने शोर से ज़्यादा पैसा कमाया. मेज़बान के सवाल के जवाब में सुनीता मार्शल ने कहा कि जब मैंने हसन से शादी की तो मैं पहले से ही बहुत अच्छा काम कर रही थी, जबकि हसन उस वक्त अदाकारी में जद्दोजहद कर रहे थे. एक वक्त ऐसा भी आया कि जब इन्हें कोई काम नहीं मिल रहा था, लेकिन उस वक्त भी मैंने उनकी कोई मदद नहीं की. हसन ने अपने तौर में ही अदाकारी पर अपना लोहा मनवाया है. इंटरव्यू देखने के बाद हसन अहमद ने अपनी अहलिया की राय से इख्तलाफ करते हुए एक वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने कहा कि मैं उस इंटरव्यू के बारे में बात करना चाहता हूं जो सुनीता मार्शल ने फूशिया मैगजीन को दिया है, क्योंकि सुनीता ने जो बातें की वो उसके हिसाब से गलत हैं. अस्सलाम वालेकुम. सो आई वांटेड टू टॉक अबाउट एन इंटरव्यू दैट माय वाइफ सुनीता गेव टू फूशिया मैगजीन अ कपल ऑफ डेज अगो. और वो इंटरव्यू कल ऑन एयर गया है, मैंने देखा भी है. एंड सिंस इट्स अ पब्लिक इंटरव्यू, so I wanted to publicly clarify a few things myself as well. Basically, whatever Sunita has said, it's her own version of events, and it coincides with my version of events. और उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि incorrect हैं, और अगर correct भी हैं तो वो बातें जो हैं मियाँ बीवी के दरमियान ही रहनी चाहिए. Everything shouldn't be made public. बाकी only I have the right to talk about my struggles. No one else has that right. और ये भी मैं डिसाइड करूँगा कि मैंने उन चीज़ों के बारे में बात करनी है या नहीं करनी. बिकॉज वो इंटरव्यू देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझ पर तरस खाया जा रहा है, which I don't like. I'm a strong man and I have been through my share. So मुझे वो चीज़ सही नहीं लगी. And that is why I wanted to clarify these things. That's it. Thank you. इस कंट्रोवर्सी के बाद नाजरीन की जानिब से ये तबसरा जारी है कि बीवी का अपना जाती मामला है, इसे मीडिया के सामने नहीं लाना चाहिए. और सार्फिन दुआगो हैं कि इस जोड़े को अलग नहीं होना चाहिए क्योंकि ये एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं. आपको बताते चलें कि सुनीता मार्शल और हसन अहमद के दो खूबसूरत बच्चे भी हैं.